हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा जी विद ख्वाहिश राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हमने 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए प्यारी सी ड्रेस बनाई है। देखिए, ड्रेस देखने में भी कितनी प्यारी लग रही है, एकदम गाउन स्टाइल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमने फैब्रिक की कटिंग करके ले ली है। आज हम 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए नेट का ड्रेस बनाएंगे। ड्रेस काफ़ी प्यारा बनेगा। देखिए, इसका मेजरमेंट हमने लिया है। हमने इसकी चौड़ाई 4 इंच रखी है, लंबाई हमने इसकी 70 इंच रखी है। अब हमें इसके अंदर फ्रिल्स डाल लेनी है। देखिए, हमें ऐसे फैब्रिक को उठाते जाना है और हल्के हल्के से यहाँ पे ऐसे रखते जाना है। तो चलिए प्लेट्स डाल लेते हैं। हमने देखिए इसमें प्लेट्स डाल के ले ली है। प्लेट्स हमने देखिए 4.5 इंच में डालनी है। देखिए, हमने प्लेट्स 4.5 इंच में डाली है। अब हमें इसे देखिए, हम इसमें यहाँ पे ऐसे बीच में एक पिन लगा लेंगे। हमने पिन लगा के ले लिया है। देखिए, हमें ऐसे राउंड शेप में कर लेना है। अब हमें देखिए एक राउंड शेप कट करना है। जो ये वाला फैब्रिक है, इसमें से हम राउंड शेप कट करेंगे। देखिए, हमें राउंड शेप इतना सा हमें हल्का सा छोटा काटना है। देखिए ऐसे, देखिए जैसे हमने ये ढक्कन लिया है, ढक्कन है, हमें इसी सेम मेजरमेंट का इस वाले फैब्रिक में से क्लोथ को कटिंग कर लेना है। तो चलिए क्लोथ को कटिंग कर लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे निशान लगा के ले लिया है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए, हमने इसकी कटिंग करके ले ली है। देखिए, हमने इसके साइड्स को हल्का हल्का सा बंद करके ले लिया है लाइटर की हेल्प से। देखिए, हमें ऐसे लाइटर लेना है। देखिए, ऐसे हमें हल्का हल्का सा ऐसे करते हुए पूरे फैब्रिक को बंद कर लेना है। इससे हमारे इसके रेशे नहीं निकलेंगे। देखिए, हमारा कोई रेशे नहीं निकल रहे हैं। हमें इसे ऐसे बीच में से फोल्ड देना है। एक फोल्ड ऐसे देंगे। हमें इसके यहाँ से हल्की सी कमर की कटिंग कर लेनी है। ज़्यादा कटिंग नहीं करेंगे, एक बार हल्की सी ही कटिंग करेंगे। देखिए, हमने कटिंग करके ले लिया है। अब हमें इसे ऐसे ओपन कर लेना है। देखिए, हमें यहाँ से एक साइड से भी इसे यहाँ से ऐसे कटिंग कर लेंगे। हमने देखिए कटिंग करके ले लिया है। अब हमें इसके जो ये पिन है ये निकाल लेंगे। और देखिए, इसे हमें यहाँ पर ऐसे रखते हुए इसके साथ में ऐसे अटैच कर लेना है। तो चलिए अटैच कर लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे फैब्रिक को अटैच करके ले लिया है। अब हमें इसके साइड्स को रिबन की हेल्प से लॉक कर लेना है। जैसे देखिए, हमें ऐसे इस साइड को लॉक किया है, ऐसे ही हमें इस साइड को भी लॉक करना है। देखिए, रिबन लेंगे हम रेड कलर का, इसे आगे से ऐसे फोल्ड देंगे। और देखिए, यहाँ पे हमें ऐसे रखते हुए इसे ऐसे करते हुए पूरे फैब्रिक के साथ में ऐसे अटैच कर लेना है। तो चलिए अटैच कर लेते हैं रिबन को। देखिए, हमने इसके दोनों साइड्स को लॉक करके ले लिया है। अब हम नेफा रेडी करेंगे। नेफा रेडी करने के लिए देखिए, हमने नेट का ही फैब्रिक लिया है। ये पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई हमने 1.25 इंच रखी है, लंबाई हमने इसकी 5.5 इंच रखी है। अब देखिए, हमें इसे आगे से ऐसे फोल्ड देना है। यहाँ पे हमें रखते हुए इसे ऐसे यहाँ पे लगा लेना है। यहाँ से भी हमें ऐसे ही फोल्ड देना है। तो चलिए पट्टी को लगा लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे पट्टी को लगा के ले लिया है। ये देखिए, अब हम डोरी लेंगे। देखिए, डोरी को हमें यहाँ पे ऐसे रखना है। जो पट्टी है उसे हमें यहाँ पे ऐसे फोल्ड दे देना है। नेट की पट्टी है इसलिए एक ही फोल्ड देंगे। अगर आप कॉटन की पट्टी का यूज़ कर रहे हैं तो देखिए, आपको एक फोल्ड ऐसे देना है और सेकेंड फोल्ड ऐसे देना है। तो चलिए फोल्ड दे देते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे नेफा रेडी करके ले लिया है। डोरी को भी हमने अंदर डाल लिया है। हमारी स्कर्ट बन के रेडी हो गई है। अब हम टॉप रेडी करेंगे। देखिए, टॉप बनाने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है।
इसकी लंबाई हमने 2.5 इंच रखी है, लंबाई हमने इसकी 2 इंच रखी है। ये हमने इनर फैब्रिक लिया है, दोनों की लंबाई और चौड़ाई हमने सेम रखी है। देखिए अब हमें दोनों को ऐसे रखना है, एक फोल्ड ऐसे देंगे और देखिए ऊपर की साइड से हमें हल्की सी तिरछी कटिंग कर लेनी है। देखिए ज़्यादा नहीं करेंगे, मैं भी हल्की सी ही कर रही हूँ। देखिए हमने कटिंग करके ले लिया है। अब हमें जो ये वाला फैब्रिक है इसे हमें यहाँ पे ऐसे उल्टा करके रखना है और सिलाई की हेल्प से हमें यहाँ पे ऐसे सिलाई दे देनी है। यहाँ पे हमें सिलाई नहीं देनी है, यहाँ से हम फैब्रिक को सीधा करेंगे। हमने यहाँ पे सिलाई लगा के ले लिया है, अब हमें फैब्रिक को सीधा कर लेना है। हमने इसे सीधा करके ले लिया है, अब हमें एक एक सिलाई यहाँ पे ऐसे दे देनी है। तो चलिए सिलाई दे देते हैं। हमने यहाँ पे सिलाई लगा के ले लिया है, अब हमें देखिए इसके यहाँ पे ऐसे करते हुए ये रिबन लेंगे। रिबन को यहाँ ऐसे रखते हुए ऐसे फोल्ड दे देना है, देखिए पूरे रिबन को। तो चलिए फोल्ड दे देते हैं। हमने देखिए यहाँ पे रिबन को लगा के ले लिया है, अब हम स्कर्ट लेंगे। स्कर्ट को हमें यहाँ पे देखिए टॉप के यहाँ पे मिडल में ऐसे करते हुए सिलाई की हेल्प से अटैच कर लेना है। हमने देखिए टॉप को स्कर्ट के साथ में अटैच करके ले लिया है। हमारी ड्रेस ऑलमोस्ट बन गई है, अब हम कैप रेडी करेंगे। बनाने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है, देखिए इसे हमने चौरस में 3x3 का पीस लिया था, जिसे हमने राउंड शेप में कटिंग करके ले लिया है और इसके साइड्स को हमने बन करके ले लिया है। अब देखिए हमें लेस लेनी है, हमें इसके पूरे राउंड शेप में लेस को लगा लेना है। देखिए हमने यहाँ पे लेस को लगा के ले लिया है, अब हमें इसे ऐसे उल्टा कर लेना है। अब हमें ऐसी इलास्टिक लेनी है, पतली इलास्टिक, और देखिए इसके हमें जो बैक है यहाँ पे हमें इलास्टिक को ऐसे रखते हुए ऐसे राउंड शेप में लगा लेना है। तो चलिए यहाँ लगा लेते हैं। हमने देखिए यहाँ पे इलास्टिक को लगा के ले लिया है, हमारी कैप बन के रेडी हो गई है। देखिए कितनी प्यारी सी कैप बनी है, देखिए हमारी ड्रेस एंड कैप बन के बिल्कुल रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।